हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप टिकटॉक वीडियो को कैसे वायरल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टिकटॉक यूजर ऐसे हैं काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसका एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो लास्ट तक देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 5 तरीका बताने वाला हूँ जिससे मदद से आप अपने टिकटॉक वीडियो को वायरल कर सकते हैं। और यहाँ पे 5वां नंबर का जो तरीका जो मैंने बता रखा हो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका वीडियो 200% मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ वीडियो वायरल होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाँ तो दोस्तों, बात करने वाले हैं टिकटॉक वीडियो को वायरल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 5 तरीका बताने वाला हूँ जिसको आपको फॉलो करना है, जिसकी मदद से आप टिकटॉक वीडियो को बिल्कुल आसानी से वायरल कर सकते हैं। तो टिप्स नंबर 1, सबसे पहले आपको टिकटॉक अकाउंट को प्रो अकाउंट में कन्वर्ट करना है। प्रो अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस टॉपिक में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख कर आप बिल्कुल आसानी से टिकटॉक अकाउंट को प्रो अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टिप्स नंबर 2, आप लोगों को ट्रेंडिंग साउंड पे वीडियो अपलोड करना है। ट्रेंडिंग साउंड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन करते हैं और वहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करते हैं और 15 से 20 वीडियो देखते हैं, लेकिन आपने देखे होंगे कि एक ही साउंड पे आपको 6 से 7 वीडियो देखने को मिल जाते हैं। उस साउंड पे आपको वीडियो बना सकते हैं या फिर उसी साउंड पे वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। यदि आप ट्रेंडिंग साउंड पे वीडियो अपलोड करते हैं या फिर ट्रेंडिंग साउंड पे वीडियो क्रिएट करते हैं तो आपके वीडियो यहाँ पे वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टिप्स नंबर 3, जितने भी आप टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको हैशटैग यूज करना है। मान लो कि आपने 4 से 5 वीडियो एक दिन में अपलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको 2 से 3 वीडियो में हैशटैग यूज करना है और 2 वीडियो में आपको विदाउट हैशटैग आपको अपलोड करना है। तो हैशटैग जिस वीडियो में आप यूज करेंगे तो नंबर 1 हैशटैग यूज करना है ट्रेंडिंग, नंबर 2 हैशटैग यूज करना है वायरल, नंबर 3 हैशटैग यूज करना है फॉर यू पेज, नंबर 4 हैशटैग यूज करना है फॉर यू, नंबर 5 हैशटैग यूज करना है टिकटॉक इंडिया। इसके बाद यहाँ पे आपको टिकटॉक इंडिया और टिकटॉक को टैग करना है। एक इसके बाद जब आप वीडियो अपलोड करते हैं जहाँ पे आप हैशटैग यूज करते हैं वहाँ पे आपको सेलेक्ट कवर का एक ऑप्शन आता है, आपको सेलेक्ट कवर पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपके वीडियो में से जो भी आपको बेस्ट पार्ट लग रहा है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप इस तरह से भी यदि वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपके वीडियो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाता है। टिप्स नंबर 4, आपको अपने वीडियो के साथ ड्यूट करना है। मान लो कि आपने एक वीडियो क्रिएट किए, उस वीडियो को आपने टिकटॉक पे अपलोड कर दिए और उस वीडियो पे आपको ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज नहीं आए, लेकिन वो वीडियो आपने काफ़ी मेहनत किया था, काफ़ी बेहतरीन आपको देखने में लग रहा है, तो सिंपल आपको उस वीडियो के साथ आपको ड्यूट करना है। कैप्शन में आपको लिख देना है आखिर इस वीडियो में क्या है जो टिकटॉक ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। यदि आप इस तरह के टाइप करते हैं आउट ऑफ पे वीडियो को अपलोड करते हैं तो जो भी व्यक्ति आपके वीडियो देखेंगे सबसे पहले ये सोचेंगे आखिर इस वीडियो को डिलीट क्यों किया गया। सबसे पहले वो कैप्शन पढ़ेगा तो एक बार देखेगा, दो बार देखेगा, कुछ क्या होगा आपके वीडियो को वॉच टाइम बढ़ने लगेगा। तो टिकटॉक को ऐसा लगेगा एक वीडियो में ऐसा क्या है जो बार बार लोग देखना पसंद कर रहे हैं। इसके बाद आपके वीडियो पे लाइक्स एंड व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो भी वीडियो आपको देखेंगे तो आपके वीडियो को लाइक्स जरूर करेंगे। टिप्स नंबर 5, तो ये आप ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, क्योंकि यदि आप 5वां नंबर को फॉलो करते हैं तो आपका वीडियो 100% श्योर है वायरल होगा, लेकिन यहाँ पे टाइम लग सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टॉप 10 टिकटॉक स्टार को फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपको देखना है जो टॉप 10 टिकटॉक स्टार है वो वीडियो को किस टाइम अपलोड करता है, तो इससे आपको ये पता लग जाएगा वो जो बड़े बड़े टिकटॉक यूजर है जो किस टाइम वीडियो को अपलोड करता है, तो आपको टाइमिंग का भी पता चल जाएगा। और इसके बाद अभी का टिकटॉक अकाउंट फ्रीज है और आपको वीडियो पे लाइक चेंज व्यूज नहीं आ रहे हैं या फिर आपका वीडियो कभी भी वायरल नहीं हुआ है तो क्या करना है, जिस टिकटॉक स्टार को आपने फॉलो किए हैं तो आपको देखना है किस टाइम वीडियो को अपलोड करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको उसका वेट करना है वीडियो आपको अपलोड करने का। जैसे वो वीडियो अपलोड करेगा उसके साथ आपको एक ड्यूट वीडियो बना लेना है, क्योंकि ड्यूट वीडियो यदि बनाते हैं तो क्योंकि उसका जो टिकटॉक स्टार है उसका वीडियो जो होता है फ्रेश होता है, क्योंकि उस वीडियो के साथ यदि आप ड्यूट बनाते हैं तो आपके वीडियो यहाँ पे वायरल होने के चांसेस बढ़ जाता है। और क्योंकि आपको पता भी होगा जो भी टिकटॉक स्टार है किसी भी साउंड पे वीडियो को अपलोड करता है वो साउंड एक ट्रेंडिंग साउंड बन जाता है। तो इस तरह से आपको 5 से 7 दिन करना है लगातार। यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।